अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फहमी और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास यूट्यूब का चैनल है और आप अपने चैनल को लीगली तौर पे प्रमोट करना चाहते हैं यानी कि बूस्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो को यूज़ करके आप कर सकते हैं। जी हाँ व्यूवर्स, आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर एक कोलैब स्क्रीन के नाम से यानी ग्रीन स्क्रीन के नाम से एक ऑप्शन होता है। उसमें होता यह है बेसिकली कि आप किसी की शॉर्ट वीडियो को ले कर आप उसके ऊपर अपना रिएक्शन दें और रिएक्शन देने के बाद आप उस वीडियो को अपने चैनल पर पोस्ट कर दें, जिसकी वजह से होता यह है कि उस वीडियो पे बेशुमार सब्सक्राइबर आते हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है और इसकी वजह से होता यह है कि आपका चैनल स्लोली स्लोली प्रमोट करना शुरू कर देता है। मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा लेकिन आपको वीडियो आखिर तक देखनी है, 100% गारंटी है आपका चैनल यूट्यूब का प्रमोट होगा और आपके चैनल पर व्यूज़ भी आएंगे। क्योंकि बाज़ लोग करते ये हैं कि आपको रॉन्ग तरीके से बताते हैं यूज़ वीडियो किस तरह कर दी है आपने, और आपको मैं करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से किया जाता है जिससे आपका चैनल भी सेफ रहेगा और आप अपने चैनल के ऊपर जो है लीगली अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। तो इंतज़ार किस बात का, आइए मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। सबसे पहले जाना है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ट्रेंडिंग वीडियो इस टाइम कौन सी चल रही है, तो आप दिखा देता हूँ ये ऑप्शन आ रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है ट्रेंडिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखें जिसके व्यूज़ मिलियन के अंदर हो और जो उस चैनल की रेंज कब सबसे ज़्यादा अच्छी हो आपको उसके ऊपर जाना है। तो हम एक आपको समझाने के लिए नॉर्मली आपको ये वीडियो हम ले लेते हैं। जैसे ही हम ये वीडियो लेंगे यहाँ पर आपके सामने रिमिक्स का एक ऑप्शन आ रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमें इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें अपने वीडियोस पे व्यूज़ लेकर आने हैं और ट्रैफिक लेकर आना है, इस वजह से हम इसको ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपसे पूछता है कि आप वीडियो को फुल करना चाहते हैं या फिर थोड़ी सी सेकेंड्स की, तो यहाँ पर आप टाइमर बढ़ा सकते हैं करके। तो हमें जो करना है वो 15 सेकेंड की वीडियो हमारे लिए इनफ है, हम डन करेंगे इसको। जैसे ही हमने इसको डन किया थोड़ी देर ये प्रोसेस चलेगा, अभी आपको बताते हैं, हम थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर देते। ठीक है, तो हमारे सामने एक ग्रीन स्क्रीन ये कुछ इस तरह की आ गई है, तो आप देख सकते हैं। और ठीक है, जैसे ही आप इतना आ जाएंगे, इतना आने के बाद आपको ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक माइक बना हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे बना हुआ है माइक, इसको आपने टर्न ऑन करना है या आपने टर्न ऑन कर लिया, ठीक है। इतना साइज रखने के बाद आपने स्क्रीन लगानी है यहाँ पे और इसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका बैकग्राउंड हो वो हो बिल्कुल वाइट या ब्लैक या ग्रीन, कोई एक कलर का। अभी मेरे पास जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए सही नहीं आ रहा। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक आ गया मेरे पास, इतना हो गया। इतना होने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल आपने रेड कलर के जो बटन है इस पर आपने प्ले कर देना है और जो मोबाइल फ़ोन का आपका वॉल्यूम है उसको बिल्कुल आपने डाउन कर देना है। ये मेरा मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन जो वॉल्यूम है बिल्कुल वो डाउन है। उसके बाद हम जो है वीडियो को यहाँ से प्ले कर देंगे, तो प्ले कर दिया। अभी हम इस पर कमेंट करते हैं, हेलो दोस्तों देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त गेम करने लगे हैं। आपको मुसलसल बोलते रहना है, आपने चुप नहीं रहना, आपने बोलते रहना है और आपने आपको एक्सप्रेशन भी देने हैं कि दिस वेरी नाइस और ये और वो, और आप देखिए वीडियो कितनी ज़बरदस्त हुई है। जैसे ही ये कम्प्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो कोलैब बन के आ जाएगी। और जैसे ही आपकी वीडियो कोलैब बन कर आएगी तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये करना है कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी वीडियो का टाइटल देते, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वेरी नाइस वीडियो लिख देता हूँ मैं, या प्राइम टिंग मैंने ऐसे ही रफली लिख दिया। अच्छा, उसके बाद इतना करने के बाद आपने क्या करना है जनाब, आपने जो करना है यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट, आपने प्राइवेट से हटा के इसको आपने करना है पब्लिक, ओके। उसके बाद आप बैक आएंगे, बैक आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपलोड शॉर्ट्स पे इस पर क्लिक कर देना है आपने। ये हमने अपलोड शॉर्ट कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नन लिखा हुआ आ गया, ये भी डन हो गया है। तो कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनट के बाद आप जब पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपके व्यूज़ यहाँ पे आए हुए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर दें और यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।